Hey, welcome. Shit, आग दिया। अरे वेलकम छोड़ यार, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या वेलकम में लगा हुआ है? बैक ऑन आवर अनदर पॉडकास्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। अरे ये हग्गू लोग पिन ड्रॉप जरा ही नहीं खोल रही। 2-1 दो कोई सुन। 3-2-1 गो एक्शन। वेल रोहन रुकना, मैं बिल्डअप कर चुका था माइंड में पूरा। Hey guys, so we are back with another podcast on Cinephile Talks, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले मार्वल की न्यूली वेब सीरीज लोकी, और उसका एपिसोड 1 आ चुका है। तो आज एपिसोड 1 हम डिस्कस करने वाले, और पॉडकास्ट पे हमारे साथ आज है हर्षल, हाय बोल, सिड, रोहन, नाम भूल जाओ रोहन का, रोहन और यश और चर्चित। हाय गाइस। फर्स्ट थॉट एपिसोड 1 कौन चालू करेगा? बहुत सही। शेर, द मल्टीवर्स सागा हैज बिगन। अरे सुना ही नहीं क्या? नहीं, जोर से बोला। अरे बोला मल्टीवर्स सागा चालू हो गया है अभी, फर्स्ट फेज इंफिनिटी स्टोन्स का था ना। फेज 4 पूरा मल्टीवर्स ही है, पूरा मल्टीवर्स रहने वाला है। 4-5 पूरा मेस। हर्षल कैसा लगा एपिसोड 1? एक नंबर हर्षल, तेरे को विजुअल्स तो बाकी नंबर मस्त। थोड़ा मेरे को विजुअल टाइम, मतलब टाइम ट्रैवल समझने में थोड़ा मेरे को टाइम जाता है, बट ठीक है। अरे वो चलेगा। काफी सही था। फर्स्ट एस्टैब्लिश प्रॉपर्ली कर रहे हैं, एस्टैब्लिश अपनी स्टोरी। हां, रश नहीं कर रहे फर्स्ट में, ऐसा विजुअल्स का इतना कुछ खास नहीं था, बट उन्होंने स्टोरी से एस्टैब्लिश करी है धीरे-धीरे। नहीं, बट मेरे को एक चीज अच्छा लगा कि भले फर्स्ट एपिसोड था, बट उन्होंने देखा सारे बेस फर्स्ट एपिसोड में सेट कर दिए। टीवीए कौन है, क्या टाइमलाइन है, क्या ब्रांच है, बेसिक जो टाइमलाइन जो अपन को दिखेगी ना आगे की, सब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या टाइमलाइन होने वाली है, टीवीए कौन है, लोकी कौन सा लोकी है। और उसको फर्स्ट एपिसोड में लोगों ने रियलाइज करा दिया कि प्राइम लोकी मर चुका है, तो तेरा रोल क्या होने वाला है। तो और वो हाँ, मतलब वो देख तो समझ रहा है उसका पास्ट फ्यूचर सब दिखा दिया उसको। बट तेरे को पता है अच्छा कौन सा लोकी जो और ये कौन सा लोकी पता है, जो हरामी वाला लोकी था ना 2012 के एवेंजर्स का, ये वो लोकी मिनट के अंदर उन लोगों ने 40 मिनट के अंदर उसको रियलाइज भी दे दी, और वो बैक टू वो ही लोकी के माइंडसेट में आ गया, औकात में आ गया। हां, मतलब लोकी ने एस्टैब्लिश कर दिया कि ये जो लोकी है वो जिंदा होके नहीं आया, ये अलग टाइमलाइन का लोकी है, सब मतलब बता दिया है शुरू में। बट वही मैं बोल रहा हूं ना कि उन लोग ने 40-50 मिनट के एपिसोड में सब एक्चुअली बहुत अच्छा सेट कर दिया। हां, ये का एस्टैब्लिश कर रहा है कैरेक्टर से गेम में। बोल रोहन। अरे वही, मतलब समझा दिया कि उन्होंने एंड गेम में जहाँ से वो निकला था वो यहाँ से वही से कंटिन्यू है, ये मतलब ये उसके मरने के बाद वाला सीन नहीं है, जहाँ पे वो लूप ये हुआ था, ब्रेक हुआ था, वही से ये चालू है। मैं वही बोला ना कि उन्होंने कंफ्यूज नहीं किया, उन लोग ने फर्स्ट एपिसोड में बिल्डअप सेट कर दिया कि क्या होएगा आगे, और उन लोग ने फर्स्ट में बता दिया कि वही उसका विलन है, और कोई अपने मल्टीवर्स की लॉकी से जो मार्वल कॉमिक फैंस को पता है, ठीक है, सिड अपने को पहले से पता था कि 25 लॉकी होने वाले हैं, बट इतने लोग को सरप्राइज हो गया। अरे 25 मेरे को पता नहीं काउंट क्या होगा, बट हो गए ज्यादा लोग। लाइक जैसे मार्वल की जो सीरीज और सब होती है, शुरू फर्स्ट एपिसोड में जनरली कंफ्यूजिंग रहता है, सब व्हाट द विजन और ये था, तो कंफ्यूजन रहता है, इन्होंने काफी से स्टेब्लिश करा है। बट वो किसी को वो प्राइम सस्पेक्ट नहीं हुआ था जब लोकी कोर्ट में आता है, तो वो बोल, बट उसका मेरे को स्टेटमेंट एक्चुअली वैलिड लगा कि आई एम नॉट द वन हु डिड ऑल द फक अप, मतलब एवेंजर्स लोग अगर टाइम ट्रेवल नहीं करते तो कैसे नहीं आता ना, तो पर वो उनका टाइम ट्रेवल पहले से लिखा हुआ था ना, लेकिन वो पहले से लिखा हुआ था ना, वो टाइम ट्रेवल वो कीपर्स के पास पहले से लिखा हुआ था, वो विधान में लिखा हुआ था। बट यस, एक चीज बता लोकी ने टेसरेक लेके गया, उसने टाइम ब्रांच क्रिएट किया, उसको सस्पेक्ट है, बट कैप्टन ने टाइम में जाके उसको लाइफ जी के आया, वो तो अपना टाइमलाइन क्रॉस किया ना, तो उसको क्यों ने सस्पेक्ट किया, मतलब तो उसमें
उसमें एक सीन है, अभी वो पक्का श्योर नहीं है, उसमें एक सीन है जब लोकी उसका चिप लेके देख भाग जाता है ना, तभी पीछे इसके जैसा कोई दिखा था अपना कैप्टन की जो गर्लफ्रेंड रहती है ना पैगी, पैगी के लुक जैसा एक ड्रेस में एक को पकड़ा ऐसा दिखाया है, वो पैगी ऐसा हाँ। बोल नहीं सकते क्योंकि कैप्टन की गलती है, तो कैप्टन को पकड़ना चाहिए। अरे मैं समझा, तू कौन से वीडियो की बात कर रहा है। हाँ उसमें ही है सब, अभी उसमें ही है सब, वही वीडियो का वही बोलेगा। बट फर्स्ट ग्लांस क्या था लाइक लोकी के बारे में, फर्स्ट एपिसोड से क्या तुम लोग को मालूम पड़ा कि एंड गेम के बाद तक, एग्जैक्ट एंड गेम के बाद तक ये एक्चुअली अच्छा हुआ वाला है, तो टीवी बिल्ड किया टीवी है तो बेस्ट बिल्ड है, वो तो है। क्या बोल रहा था यश? वही अब वांडा विजन और फाल्कन से तो ये बेटर लग रहा है मेरे को तो। देख एक चीज बोलूंगा, हम लोग शो नहीं बोल सकते, बट ये मैं बोलूंगा कि बट इन विजुअल वाइज लॉकी विल बी अ विजुअल ट्रीट, ये मैंने इंटर स्टोरी में डाला था कि विजुअल ट्रीट होने वाला है, वो तो है जो भी कांसेप्ट है, ये एंटरटेनमेंट बहुत होने वाला है वो दोनों शो से। अरे देख डेफिनेटली देयर विल बी, वो कंपेयर कर रहा है, बोला चर्चित। हां डेफिनेटली देयर विल बी सो मेनी ट्विस्ट, काफी ट्विस्ट आने वाले हैं इसमें आगे जाके, क्योंकि लोकी ऑब्वियसली कभी धोखा देगा कभी क्या, काफी ट्विस्ट होंगे इसमें, तो आगे जाके स्टोरी लाइन कॉम्प्लिकेटेड होगी। इन्होंने शुरू में सिंपल रखी है, शुरू में सब बता दिया, ये आगे जाके काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। अरे शोज कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सीन ऐसा रहता है ना, जो फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में था ना वो क्या था, वो बिल्डअप था कि अभी अपने को ब्लैक कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो स्टोरी उसके अराउंड थी कि नया कैप्टन आया, वो तो बराबर लोकी के साथ ही खेल रहे उन लोग, प्राइम लोकी अपना मर चुका है रिलेटेड है, फर्स्ट सिक्स से जो फर्स्ट सिक्स अवेंजर्स है उनसे ये रिलेटेड है, इसीलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है ये दोनों। बाय द वे स्पॉइलर अलर्ट, अगर जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आपने थॉर 1 नहीं देखी रहेगी, अगर आपने थॉर 2 नहीं देखी रहेगी, तो स्पॉइलर्स बहुत है कि आपको पता नहीं लगेगा। बट वो आ रहा है रैग्नारोक। बट सबसे हिलेरियस सीन सबको याद है कि नहीं, जब वो बोलता है कि वी हैव मेनी स्टोन वी यूज एज अ, ओ भाई भाई वो तो भाई कंधा शॉट था वो। मेरे को थैनोस का फोटो याद है, पता है जो मीम है ना पाकिस्तान वाला, इन्फिनिटी स्टोन का साइज छोटा होता है रे ब्रो, उससे बड़े बड़े छोटा ही था, नहीं उतना ही था। देख तू देखेगा सोल, सिर्फ सोल स्टोन बड़ा था उसके बॉक्स में, और एक्चुअल में भी सोल स्टोन ही बड़ा। क्या कर रहे हैं, सोल स्टोन कैसा ला सकते टीवी वाले? अरे वो वही तो है, वो केसेस सॉल्व करते हैं तो हर इसमें एक स्टोन उनको मिलता रहेगा, जब वो ठीक करते रहेंगे उस स्टोन ऑटोमेटिक रिकवर होता रहेगा, तो ये स्टोन का क्या करेंगे, तो आ जाओ हमारे टीवी। इतना आयरनिक था कि वी यूज एज अ पेपर वेट, मतलब वो काइंड ऑफ ऐसा भी था कि अभी इन्फिनिटी स्टोन का सागा खत्म हो गया, अभी उसको भूल ही जाओ, इन्फिनिटी स्टोन अभी भूल जाओ, एंड गेम में आ रहा है दूसरा आ गया मैं मानता हूँ, वो लोगो ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट पीटर को एज अ रेप्लिका रख सकते हो वो फील्ड में, बट पता नहीं आयरन मैन का उन लोग ट्राई नहीं करना चाहिए।
अभी विडो ब्लैक विडो की बहन उसका प्लेस लेने वाली है. ब्लैक विडो की बहन अरे जो अभी जो नेक्स्ट वो नेक्स्ट आ जाएगी ना सब नेक्स्ट आ रहे अपने पर वो जिंदा भी है कि नहीं पता नहीं क्योंकि ये बैक स्टोरी है और अब तक इतने सालों में उसको कभी दिखाया नहीं तो ब्लैक विडो में क्या मालूम एंड में मर जाए वो. हां ब्लैक विडो का ईमानदारी से बता तुमको ऐसा विश्वास है कि अगर लोकी मिशन पे जाएगा बी टू किल हिमसेल्फ क्या तुमको लगता है वो प्योरली हार्टेडली वो मिशन पूरा करेगा. नहीं यही सुन क्योंकि देख तू सीन देखा मेरे को लगता है वो करेगा मिस्टिप नहीं नहीं मैं मिस्टिप वाला पार्ट नहीं बोल रहा वो ऐसा ओनली करेगा 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 वो टाइमलाइन में जाने की कोशिश करेगा थॉर से मिलने के लिए या बैक टू माउ. मैं एक तो सीन होने वाला है कि ये उस विलन से बैठ के बात करने वाला क्योंकि ट्रेलर के सीन है जिसमें वो लोग बोलते हैं ना कि ब्लैक विडो एक्चुअली वो लेडी लोकी है और लेडी लोकी विलन है एपिसोड 1 के एंड में वो लेडी लोकी रहती है. तो एक टाइम पे ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिट चैट तो करने वाले कि ये क्यों ये कर रही है और ये भी उसका फिर एंड में बाद में शायद लोकी सब ठीक कर दे उससे फाइट करके. तुमने देखा ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ 15 कौन से एरा से चालू होता 15 में को प्रॉपर नाम स्टार्ट तो 2012 से हुआ फिर बीच में 1549 या 89 टाइम था 1484 फिर एक 17 वाला भी है 17 लोकी का प्रोडक्शन डिजाइन नेक्स्ट लेवल था. लोकी का प्रोडक्शन डिजाइन बाप था खर्चा किया है अल्टरनेट में लाके उसको पूरा एक शो बना दिया तो एक तरह से काफी वो है कि अल्टरनेटिव रियलिटीज को आप ले आओ एंड देन आप उसको पूरा शो क्रिएट कर दो. चर्चित वही हो रहा है ना भी मल्टीवर्स भी इन लोग मल्टीवर्स स्पाइडरमैन भी तो वैसे ही ला रहे हैं इन लोग भाई मल्टीवर्स का मल्टीवर्स आजकल मतलब काफी ज्यादा चल रहा है मल्टीवर्स का जो कांसेप्ट है. बट मेरे को लग रहा है एक टाइम पे ना कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए बिकॉज़ हर फेज 4 की हर मूवी में मल्टीवर्स तुम कितने ब्रांचेस क्रिएट करोगे हर फिर नहीं हर इसमें मल्टीवर्स नहीं रहेगा स्क्रल का भी रहेगा क्योंकि लोकी में देख एक सीन में जब लेके आया तब सीक्रेट इन्वेजन की तरफ वो लेके जा रहे हैं. अभी तू देखेगा हर शो में स्क्रल एक बार आ ही रहा है वो अंडर विजन में एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में आया फिर अभी इसमें भी एक सीन में सिर्फ टीवीएफ में खड़ा रहता है एक ट्रैक पैंट में एकदम बैकग्राउंड में दिखाया एक सीन जब लोकी को लेके आते हैं. तो सीक्रेट इन्वेजन तो आएगा पर मतलब वही है कि मेरे को लगता है कि अभी जो ऊपर स्वॉर्ड है स्पेस में स्क्रल्स का तो उनका वर्सेस जो बैड स्क्रल्स है उनका ऐसा सीक्रेट इन्वेजन में ये रहेगा और सीक्रेट इन्वेजन आई गेस सीरीज है तो मेरे को लग रहा है ये सीक्रेट इन्वेजन का फर्स्ट स्टेप है. ये मेन सीक्रेट इन्वेजन वाला वॉर नहीं है जिसमें एवेंजर्स का रूप लेते हैं वो आई गेस मल्टीवर्स सागा जब खत्म होगा उसके बाद एक्चुअल सीक्रेट इन्वेजन सागा चालू होगा. ये सीरीज मेरे को लगता है फर्स्ट वॉर स्टेप है जो कॉमिक्स में है. बट वो कॉल बैक देखा कि नहीं चर्चित जब लॉकी गिरता है वो सेम सिनेमैटिक शॉट आयरन मैन 1 का है जब टोनी बाहर आके रेगिस्तान में गिरते तूने फ्रेमिंग देखा कि नहीं गिरते हां 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 वो देखा देखा हां भाई ऊपर से गिरते बहुत सही कैसे मेंटेन करते हैं बट अगर अरे देखो प्रोडक्शन डिजाइन बताओ जो बंदा है ना जो बोलता है कि आई डोंट नो व्हाट इज फिश जो टेसरेक्ट का रखा है कॉमेडियन है. प्रोडक्शन डिजाइन इतना नेक्स्ट लेवल है ना जब लोग उससे मिलते हैं ना तो उसका जेब से इंक गिर रहा है जैसा बोला है कि 1000 years वो मतलब ये जिंदा है तो उसका जो डायलॉग्स का स्क्रिप्ट था वो बोलते थोड़ा ज्यादा होना चाहिए मतलब 1000 years में कुछ ज्यादा ही बात कह रहे हैं क्या? लोकी शो अपने को मिला उसको स्टैंड अलोन मिल रहा है वो मेरे को समझ में आ रहा है बट कितना अजीब लग रहा है ना कि प्राइम लोकी एक्चुअल में मर के टाइम हो गया उसको. मेरे को तो लगता है कि अगर बोल हाँ एक सेकंड अगर देखा जाए 2012 में एवेंजर्स 1 हुआ था एंड गेम 2024 में हुआ था तो और लोकी मरा था इन्फिनिटी वॉर के स्टार्ट में तो ऑलरेडी 5 साल निकल गए कितना बड़ा टाइमलाइन का गैप है और ये प्राइम लोकी का मतलब शो वाइज अच्छा मजा आएगा अपने को बट एक्चुअली में तो नीड नहीं है अपने टाइमलाइन में कुछ भी ये नहीं है मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट से अपने को ये कर रहा है ना
मतलब नहीं नीड है, नीड है, यू नीड, नीड है एक्चुअली, बिकॉज़ वो टाइम को डाइवर्ट कर रहा है ना अभी कुछ जो उनका जो टाइम जो उन्होंने बनाया है उसके हिसाब से इसके वैसे ही हां एंड गेम में कैसा होगा जो भी यही केओस क्रिएट करेगा मैंने कभी नहीं आता बट वो सेक्रेट टाइमलाइन में कभी नहीं आ सकता जो ओरिजिनल टाइमलाइन अपनी थी हां वो ऑब्वियसली नहीं आ सकता ना वो फ्लो ही नहीं है टाइम का वो उस टाइमलाइन में डेड है ना पर बाकी पूरा जो फेस फोर है वो मल्टीवर्स पर रहने वाला है तो वो बाकी टाइमलाइन में कैमियो है क्या ये सीजन में सीक्रेट कैमियो है कोई भी स्पेशल कैमियो कॉक का हो सकता है बोल रहे हैं थॉर का मेरे को नहीं लगता होगा थॉर का नहीं थॉर का कैंग कैंग का कैंग द कॉन्करर है ना हाँ कैंग का हो सकता है कैंग का हो सकता है बिकॉज क्वांटम मेनिया का विलन है ना हाँ यू नो जो जज है ना जो जज दिखाई थी उसका और कैंग का उसका हाँ लव इंटरेस्ट हाँ कॉमिक्स में अभी इधर पता है और वो तीनों भी ये है ना जो जो मेन हेड है टीवीएफ को जिन्होंने क्रिएट किया उसमें वो लाइन है ना कि फॉर ऑल फॉर एवरीवन वो लाइन है देखे टीवीएफ इज फॉर ऑल फ्रॉम एवरी वो बोल रहे कि वो फेक है एक्चुअली कमर्शियल एंड होता है हाँ वो बोल रहे फेक है क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसा उन्होंने बनाया है मतलब पूरे वर्ल्ड जो भी यूनिवर्स है सबको लगे ऐसा कि वो सबसे स्ट्रांग है तो काइंड ऑफ फेक मेंटालिटी क्रिएट करने का कोशिश किया ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो भी काइंड ऑफ क्वेश्चन है एक और बोला कंप्लीट कर ला नहीं वही कि वो काइंड ऑफ वो भी बुरे लोग है ना कॉमिक्स में बीच बीच में वो लोग इसके साथ ये करते हैं एवेंजर्स के खिलाफ वो इसमें भी एवेंजर्स असेंबल एक कार्टून सीरीज था उसमें भी हाँ पर एक चीज समझ रहे कि टाइम कीपर लोग ने लोकी को जाके पकड़ के लाया ठीक है मानता है वह भाई थैनोस भी तो बकचोदी मचा रहा था ना टाइम पर फिर वो तो पर वो बकचोदी मचा रहा था पर वो आएगा वही उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था उनके कि ये ऐसा टाइम रिवर्स करेगा आएगा पर फिर एंड में एवेंजर्स बचेंगे कैप्टन अमेरिका ने रिवर्स में जाके लूप ठीक किया बट 2014 का लोकी तो होता था ना 2024 के इसमें तो उसकी तो बजानी चाहिए ना वो भी तो आया होगा बीच में बट कभी नोटिस नहीं हुआ रहेगा अभी तक अभी पता चलेगा आगे नहीं I mean, ये सारे क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चन रेस कर दिए ये सारे क्वेश्चन का वो एक ही जवाब देंगे प्लॉट होल सारे क्वेश्चन का उनका एक ही जवाब होगा क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ था बट जो लोकी ने मैसअप करा वो नहीं था उनका इंटेंशन इनका सभी जो भी क्वेश्चन क्या चर्चित पता है इट्स नॉट अबाउट मार्वल कोई भी हॉलीवुड फिल्म में जब उन लोग को प्लॉट होल मिलता है ना टाइम ट्रेवल का कांसेप्ट घुसा के उसको हां वही बरी कर देता है तो कोई से बड़ी मूवी ले ले प्लॉट होल्स निकाल लेंगे बहुत प्लॉट होल्स होते हैं देख एंशियंट वन ने क्या बोली थी कि ये हमारा टाइमलाइन है तुम इसमें से निकालोगे चलेगा ब्रांच बनेगी अगर इसमें वापस डाल दोगे ब्रांच रिकवर हो जाएगी ठीक है वो समझ बक्चोदी माचा है वो भी रिजर्व हो जाएगा भाई थानोस ने भी तो बक्चोदी अभी कैप्टन तो पूरी लाइव जी के आया पीछे गया शादी किया वही तो है अभी पता नहीं है ना हो क्या पकड़े थे कि चाचा इधर आओ चाचा इधर आओ तुम कैप्टन के साथ एक्चुअली में क्या हुआ है वो अभी भी क्लियर नहीं है जब काफी पढ़ा था मैंने इसके बारे में और डायरेक्टर ने बोला एक इंटरव्यू में कि उसने एक अलग टाइमलाइन क्रिएट कर डाला है तो वो ही बोल रहे हैं कि इस पे भी आगे जाके टीवीएफ शायद करे उस पे उन्होंने यही बोला था लड़की के लिए किया क्या हां पैकिंग नहीं रे नहीं लव लाइफ टू कॉन्टेक्स्ट हर्षल तो सही बोल रहा है सुन हर्षल तो सही बोल रहा है तू पूरा कॉन्टेक्स्ट खराब है बट रोज का 100 ईयर का लव है तो एक डांस पेंडिंग था भाई वो एक पेंडिंग डांस ब्रो ऐसा एक लड़की के लिए क्या ऐसा मत बोल कि भाई पूरा लाइक अरे नहीं मतलब ओवर सिंपलीफाई कर दिया इसने एक लड़की के लिए क्या था ओवर सिंपलीफिकेशन मैं अपनी लव स्टोरी से ज्यादा कैप्टन की लव स्टोरी के लिए वाउच कर रहा था भाई दिला दो डांस दिला दो डांस वो था और लोकी का बड़ा अच्छा था जो भी था बट मेरे को बट इतने जल्दी सेल्फ रियलाइज कैसे हो गए रे लोकी को मेरे को समझ में आया मतलब 20 मिनट की वीडियो में उसका 2012 नहीं जब इंसान अपनी हरामी था नहीं नहीं मतलब अगर अपन इसको एक नॉर्मल उससे देखे ना लिटरल जब इंसान अपनी डेथ देख लेता है ना तो एक अलग सा वो होता है वो एंड में बोलता भी ना फॉर ग्लोरियस डीड्स और ऐसे एकदम खुद को एक फेक स्माइल दे देता क्या यही था मेरा ना जो आई मीन उसको पता है उसका एंड वो था सुन वो मतलब थैनोस को जानता है वो और उसको पता है उसका एंड थैनोस से होने वाला है और
उसको समझ में आ गया कि ये जो टाइमलाइन है और ये सब ये तो होएगा ही सही, तो उसको उसको कैसे भी सही करना है टाइम के साथ। किस किस को डीबी कूपर का पता है सीन? मेरे को पता है, किसी को पता है डीबी कूपर का सीन? देखो कौन सा सीन? अरे मार्वल ने मस्त, मार्वल ने मस्त उसको अपने स्टोरी में घुसाया, किसको भी नहीं पता ना। अरे डीबी कूपर एक आ रहे यूएस में, मतलब उसने एक प्लेन हाईजेक किया था रियल में, रियल ना रियल नो फेक स्टोरी, रियल में उसने एक प्लेन हाईजेक किया था, ऐसे लिया था और बीच समुद्र में, ऐसा भी नहीं कि आइलैंड वाइलैंड पास में, ठीक है, एकदम मतलब दूर दूर तक किसी समुद्र समुद्र है, सेंटर में प्लेन जा रहा है, ने हाईजेक किया, पैसे लिया और वो कूद गया, और पैसे उसका और पैराशूट नहीं था, वो कूद गया था, तो जो फोर्स आता है ना एयर का, तो उसका बैग भी खुल गया था, तो पैसे उड़ गए थे पूरे स्काई में आधे, और वो जब ढूंढने गए ना, देख इंसान कितना भी तैर तैर के जाएगा, देख पूरा पूरा समुंदर पार नहीं कर सकता आइलैंड तक पहुंचने के लिए, और समुंदर का वो वेट भी रहता है ना, तेरे को घसीटता है नीचे, बट स्टिल उसका एक बॉडी नहीं मिला, पूरी फोर्स लगा दी थी उसके आगे, बॉडी नहीं मिली, पैसे मिले बस छोटे पैसे उड़ के नीचे गिरे, वो पर यार इतना बड़ा वो है सी, तो जरूरी नहीं कि बॉडी मिले यार। अरे वही, अरे नहीं सीन कैसा है उसका, आज तक ट्रेस नहीं हुआ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो मिला नहीं आता। नहीं पर सी को, सी का अगर अपन देखें, अगर कोई छोटी मोटी लेक होती तो एक बार समझता था, पर सी में वो कूदा तो पॉसिबल है कि बॉडी। अरे ब्रो डिस्कशन इस पे नहीं हो रहा है कि वो मरा, डिस्कशन ये हो रहा है कि वो कूद गया और पैसे थोड़े मिल गए, ट्रेस नहीं हुआ, तो मार्वल ने वो थ्योरी यूज किया, वो कॉन्स्पिरेसी और लॉकी पर दिखाया कि लॉकी डीबी कूपर था। हां हां वो उस टाइम समझ में नहीं आया था मेरे को, मैं कुछ तो रेफरेंस होगा मुझे लगा था, पता नहीं मैं समझ रहा हूं। अरे बहुत रेफरेंस है क्योंकि इसका जो राइट साइड राइटर है शायद वो रिक एंड मॉर्टी का, तो उन लोग ने बहुत फ्यूचर स्टफ किया ना उन लोगों ने। हां हां मेरे को हंसी आया ना जब ट्रेलर आया था ना, तब लोग यूट्यूब पे कमेंट में लिख रहे थे डीबी कूपर डीबी कूपर, और जब मैं यूट्यूब पे जाके देखा ना कि एक्चुअली में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि बंदा पैसा लेके उड़ गया था बट आज तक मिला नहीं, तो मार्वल ने उसको फन वे में घुसाया कि लॉकी डीबी कूपर था, प्लेन से कूदा डिलीट कर दिया पूरा और गायब हो गया बायफ्रॉस्ट यूज करके, और वो डीबी डिलीट कर दिया, तो वो इंटीग्रेशन में पूछता भी ना उसको कि यू है डीबी कूपर। अरे मस्त लगा मेरे को, रेफरेंस बहुत अच्छे थे, बहुत सही। और क्या है लोकी के बारे में अभी, बट प्रेडिक्शन क्या है सेकंड एपिसोड में क्या होगा, खुद ये लोकी खुद पे हावी पड़ेगा कि ये लूज होएगा विलन लोकी? पहली बार तो लूज होगा, इतना जल्दी तो हैवी नहीं होगा, बट मेरे को वो पूछना है टाइम क्रंच में वो सब लोकी कौन से, क्योंकि 2012 में लोकी लेके निकला टेस्टरेक और ये लोकी को इन लोग ने अभी पकड़ लिया, तो ये सब लोकी कब आए? हां वो आगे आए होंगे ना, अभी मालूम पड़ेगा आगे, बट वो थोड़ा हैवी पड़ रहा है। ब्रो तालू ही ब्रो, बट तालू ही 2012 के लॉकी से हुआ ना, और उसको इन्होंने पहले पकड़ लिए, तो 25-26 लॉकी कहां से आ गए? अभी जो है हमारे 25 ओरिजिन लॉकी से, बट सोचना वो लोग ने मिड डाल बोल बोल अच्छा क्या बोलो ना, बोलो एक एक बोलो। हां हां मतलब वो लोग ने मतलब जिसको पकड़ना है उसको पकड़ने के लिए उसको पकड़ा है। मतलब अरे वो आगे तो है, बट मेरा क्वेश्चन था उसको ही पकड़ लिया ना जो एक्चुअली जो एग्जिट मार के आया 2012 को, उसको ही पकड़ लिया। हाँ। ये लोग तो उसका टाइमलाइन भी बिगड़ सकता है, वो भी है प्राइम लोग की मर, वरना एंड में वापिस यही पे आएगा। ये मेरे को डार्क वाला लग रहा है, व्हाट इज हैपेंड इज ऑलरेडी हैपेंड, बहुत थोड़ा डीप है। लॉल नहीं यार ये बहुत फालतू की भी है, विजुअल्स के लिए देख रहा है मैं, बट मेरे को ऐसा लग, मेरे को देख मार्वल पे भरोसा है कि उन्होंने सेंस तो बना लेंगे, बट स्टिल मेरे को देख डार्क में अपने को प्रॉब्लम कब हो रही थी, ओरिजिन नहीं मालूम पड़ रहा था ना कहाँ से शुरू हुआ, इसमें उन्होंने ओरिजिन ही बता दिया, 2012 वाला झुक करके निकला करके वो रेगिस्तान में तो वैसे देख आगे, तो जब ब्रांच अपने को वो इयर्स मिल रहे हैं, ये 1586 का लॉकी कब गया अम्ब्रेला एकेडमी सबकी, नहीं वो नहीं देखा, वो सबकी थ्योरीज अलग है टाइम ट्रैवल को लेके,
पर अभी तक जितने भी मैंने टाइम ट्रैवल की थ्योरीज अलग नहीं है, टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है तो लोग थ्योरी बना सकते। हां भाई, अरे वही मतलब जो जो उन्होंने कर रखा है थ्योरीज अपने अलग अलग तरीके, ऐसे टाइम ट्रैवल हो रहा है, इनकी थ्योरी में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल है। तो अभी तक जो भी बेस्ट लगा ना वो मुझे डार्क का लगा, उसका काफी अच्छा था। मतलब अभी तक अभी तक उन्होंने एकदम प्रॉपर करके छोड़ा और काफी सही सीरीज लगी। डार्क का जो टाइम ट्रैवल है, इवन मार्वल का जो टाइम ट्रैवल है वो एंड गेम में इतना कुछ मेरे को नहीं, लॉजिकल तो है नहीं नहीं हाँ। देख मैं देखो बताता हूँ, डार्क का सीन टाइम ट्रैवल नहीं नहीं डार्क नहीं नहीं ब्रो, वर्ल्ड थ्री डायमेंशन में चलता है और डार्क में बरोबर दिखा है कि वो दो डायमेंशन डार्क का नहीं, मैं एंड गेम का बोल रहा था, एंड गेम का एंड गेम का लॉजिकल लॉजिकल बरोबर था डार्क का कि थ्री डायमेंशन वर्ल्ड है तो एक से दो डायमेंशन वो है, बट एंड गेम का लॉजिकल बोलू क्यों है कि जब देख उन लोग बात करते हैं टाइम ट्रेवल की वो लैब में हल्क और हॉक आई रहता है और वॉर मशीन रायन जब बात करते कि फ्यूचर बैक पास्ट ना क्या ये कर देंगे तो हल्क बोलते हैं नो यू कैन नॉट डू, क्योंकि जब तू तेरा प्रेजेंट है तू फ्यूचर में पास्ट में जा रहे हैं ना वो मेमोरीज हो चुके हैं, बट जब तू जब जाएगा ना पास्ट में तेरे को नहीं पता तू क्या करेगा तो वो तेरा फ्यूचर बन जाता है, तेरा पास्ट तेरा फ्यूचर, जब तू पास्ट में जाता है वो तेरा प्रेजेंट बनता है और तेरा पास्ट तेरा फ्यूचर हो जाता है। बराबर, प्रेजेंट तेरा पास्ट हो जाता है। दो साल से ज्यादा हो गए आज तक मुझे समझ में नहीं आया। अरे अरे ब्रो देख ऐसा है उन लोग 2024 से 2012 में जा रहे तो वो उन लोग का फ्यूचर होगा, उन लोग को नहीं पता उन लोग अभी क्या करने वाले, वो उनका फ्यूचर होता है। और जब उन लोग 2012 में पहुंच गए तो 2024 उनका पास्ट हो गया, ठीक है, वहां से आ गए लोग अभी। तो ऐसा सीन चलता है तो वो लॉजिकल है कि एक्चुअल में तू चेंज नहीं कर सकता तेरे पास्ट को, उल्टा जाके न्यू मेमोरीज क्रिएट करके आ जाएगा वहां से और इनडायरेक्टली मतलब तेरा न्यू टाइमलाइन जो भी है भगवान के ऊपर कैसा जाएगा बेटा। अभी हर जगह से गाना बजाएगा गणपति बप्पा के ऊपर बट नहीं रे बट वो बट मैं वही बोल रहा हूँ लॉकी का मेरे को ओरिजिन बता दिए तो कैसा उन लोग वो उसका गाली आ रहे हैं मुझे बट बोलने तो कुछ और अच्छा प्लान कर रहे हैं आगे। अभी अभी एक एपिसोड में इसको अपन जल्दी कर सकते हैं, आगे काफी कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं। वही यार अभी कुछ और का जो टाइम ट्रैवल की क्या थ्योरी उन्होंने फिर भी और अभी तो अपने एक्चुअली पता भी नहीं उसने क्या मैशअप करा है प्रॉपर्ली। उसने क्या मैसअप वो बोल रहे हैं कि तूने पूरी टाइमलाइन मैसअप कर दी, पर अभी एक्चुअली पता नहीं उसने क्या क्या मतलब कॉमिक तुम लोगों को शायद ऐसा होगा तो चर्चित ऐसा होगा तो कि ये लोग लॉकी को एड़ा बना रहे कुछ और ही असल में हो चुका है और इसको हां हो सकता है चारा यूज कर रहे हो सब चीजें ठीक करने के लिए उसको ब्लैकमेल भी थोड़ा ऐसा मतलब कर रहे नहीं, पर यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि लॉकी को मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। सबसे पूरे शो का इंटरेस्टिंग चीज है कि लॉकी को मैनिपुलेट कर आसान नहीं है। उसको मैनिपुलेट नहीं करते लोग, वो जनरली लोगों को मैनिपुलेट करता है तो इस शो का अगर वो उसको मैनिपुलेट कर पा रहे तो एक वो होगा क्या पता वो उनको मैनिपुलेट करवा रहा है कि मेरे को कन्विंस करो कुछ नहीं पता भाई ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होगा कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है। मेरा थ्योरी बोलू कहते उसको रीसेट करने वाले थे, रीसेट का मतलब तेरे को इरेज कर देंगे, क्या पता लोकी ने उनको मैनिपुलेट किया है कि मुझे रीसेट मत करो तुम्हारे मिशन में शामिल कर लो। मतलब नहीं उस टाइम एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं ना कि उसने मैनिपुलेट करा, वहां उसने बोला वो आया फिर मतलब एकदम सडनली आया वहां उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स वो नहीं बोले है उसमें उन्हें बड़ी मशीन थी का इस बस ठीक है। अरे बट मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अबे यार इसमें तो मैं भी नहीं काम कर रहा है इनके कुछ नहीं कर रहा भाई स्टोन्स को पेपर वेट की तरह कर रहे हैं लोग काम ले रहे हैं
वो देख के तो भाई सीजन कुछ नहीं हो रहा उधर, बस वो स्टिक मैजिक दिखा रही है हाइड्रा की तरह हो रहे हैं लोग, तो कुछ बोलो तो चल कुछ बोलो तो वेपराइज कर देते हैं। अरे कितना इंसान दिमाग में लेके चलेगा, इंसान को ना अभी बुक लेके बैठना पड़ेगा कि एक्चुअल में एवेंजर्स 2024 में ये वांडा विजन अलग चल रहा है। जैसे जैसे ये लोग नई नई मूवीज आती जा रही, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अभी टीवी आया, जिसको कॉमिक्स पढ़, जिसने कॉमिक्स नहीं पढ़े उनके लिए देखे तो वो पता नहीं था अभी कि टीवी जैसा कुछ होता है। धीरे धीरे ये लोग और ये तो पूरा नया लगा। हाँ, फेस और फेस फाइव वाले धीरे धीरे चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और टाई अप कर रहे हैं अलग अलग मूवीज को। मेरे को लगता है मल्टीवर्स में सब सॉल्व हो जाएगा और एक सुनना चालू हो जाएगी। सुनना एक बार, हाँ एक बार, मतलब एक ऐसा पॉइंट नहीं आया कि हर एक चीज के लिए नया कुछ इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऐसा लगेगा कि यार अभी इन्होंने कोई नई टाइमलाइन निकाली तो इन्होंने कुछ उसको सॉल्व करने के लिए इनको प्रॉब्लम में लिए कि यार चलो अपने को इसकी टीवी सीरीज बनानी नहीं, तो उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अभी टीवी इंट्रोड्यूस करा तो बाकी मूवीज में भी इसका रेफरेंस होना चाहिए फिर, और उनको इंटरकनेक्ट करें। ऐसा नहीं कि हर में कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी अगर अगर देखा जाए ना, कॉमिक का जो लॉकी था ना, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था जितना टॉम हिडलसन ने एज अ एक्टर उसको लाके इतना अट्रैक्टिव बना दिया ना, अगर देखा जाए तो। बोल रहा हूँ भाई, सही है, सही बात। इस मूवी टॉम हिडलसन ने उसको एक वैल्यू दिया है आके। 50 मिनट के शो में 10 बार वो बोल चुका है दिस इज अब्सर्ड, लिटरली हर 5 मिनट दिस इज अब्सर्ड, दिस इज अब्सर्ड, हर 5 मिनट में उसकी लाइन है। अरे अभी जैसे तूने बोला ना कि टीवी का एग्जिस्टेंस पहले से था, बट उन्होंने अभी नहीं ला क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ये लॉजिक पॉइंट है। व्हाट द फक इज इटर्नल, तुम लोग क्या था तुम लोग का? इटर्नल्स का क्या है मतलब? कहां मर रहे थे तुम लोग? ये पूरे दुनिया में लगे पड़े आग लग रही है, तुम्हें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो और कैप्टन मार्वल, कैप्टन मार्वल, कैप्टन मार्वल का समझ में आता है तो स्पेस उसके और भी गैलेक्सी नहीं, उसका पूरा वर्ल्ड देखा है, केवल अर्थ नहीं, वो तो और गैलेक्सीज और वो सब। जब वो जब वो भी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, अबे कैप्टन मार्वल पैदा नहीं थी, पर इटर्नल्स मैनकाइंड से। हां इटर्नल का, हां हां तुम लोग ने वर्ल्ड वॉर देखा नहीं, इंटरफेयर किया, वर्ल्ड वॉर टू देखा नहीं किया, रेड स्कल आया नहीं किया, एवेंजर्स आया तुमने बोले ना यार तुम तो निपटो, तुम देखो ना एवेंजर्स का। मैं समझता हूँ कि तुम बच्चे लोग, बच्चे लोग है, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे, लौकी है नया पुआ भाई, मजाक में तो प्रैंक नहीं हुआ था, नया पुआ था। अरे तुम लोग अगर आ जाते ना हमारा टोनी बच जाता, वो लोगों ने सब डॉक्टर स्ट्रेंज पे डाल दिया, सोच सकते समझ सकते हैं द एंशिएंट वन और अपना डॉक्टर स्ट्रेंज, ये मतलब सबसे ऊपर है ये, जो किसी को नहीं पता बस जैसे इटर्नल्स मान ले, ये इनके विजन से ही दूर है, मतलब इनको कहीं बुक्स में मेंशन नहीं है, कहीं नॉलेज नहीं है। अपने पास अभी है, आप लोग आ गए, समझ गया टाइम ट्रेवलिंग सब, पीटर मैच्योर्ड हो चुका है, अपने पास न्यू कैप्टन अमेरिका है, अपने पास विंटर सोल्जर वापिस आ गया है, ठीक है, अभी तुम आगे क्या कर लोगे? इन लोग ने सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट फेस करके आज इन लोग का एक्सपीरियंस हो गया है, अभी गैलेक्सी सारे तो आ जाओ तुम लोग चलेगा। मैं ट्रांस का ट्रेलर देखा, अरे ये भी तो जीओटी में था, अरे ये भी जीओटी में था, मैं सारे जीओटी के भल लिए गए मैंने। अरे क्या है सब जीओटी के नहीं है अपना, वो सब नहीं है वो अटेला मैं बोलूंगा ऑडियंस को, आपको ये जम कट इसलिए दिख रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी कि सिट के घर पे लाइट चले गई थी, तो मैं कुछ जम कट चल चल उनको भी रूम का 40 मिनट का खेल मालूम रहेगा सारे। ये चर्चित ने वीडियो नहीं चालू किया, स्टैनली की कसम खा के बोलते हैं लाइट नहीं गई थी, सीढ़ी पे बैठा थे, इसका तो और ही गरीबी है, रास्ते पे करते हैं भाई अंदर बहुत डिस्टरबेंस होता है। हम लोग का सेटअप के लिए हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं बिकॉज़ वी आर जेन्युइन, हमारी गरीबी देख रहे हो इसलिए नीचे पेट्रियन लिंक पे क्लिक करके डोनेट करो कुछ भी हो हम लोग चालू करेंगे। हर्षल गिव अस अ कॉफी, मेरा एक पॉइंट
अरे सुनो रिकॉर्डिंग जो देख जो थैनोस की राइटिंग है ना जिसने भी लिखा है वो जो ये स्नैप वाला चीज है मतलब राइटर्स कॉमिक्स में तो अलग ही लेवल है कॉमिक्स का नहीं बोल रहा मैं सुन 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 चुप सुन सुन एक पीयर ने आके लिख के गया है नहीं नहीं मैं मेरी बात सुन आई एम सो श्योर जिसने लिखा है ना थैनोस जो स्टोरी थी स्नैप वाली की रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं और वो सब आई थिंक लिटरली थैनोस में बिलीव करते होंगे क्योंकि मैं थैनोस में बिलीव करता हूं टू बी ऑनेस्ट कि वो एक्चुअली करेक्ट है मोस्टली तो सब करते हैं चलो चल चित्तर को मारने का टाइम जो ये जो जो ये पब्लिक बकचोदी करती है ना कि ही शुड डबल द रिसोर्सेस तो भाई तू कान यहां से पकड़े और कुछ हुआ नहीं रिसोर्सेस डबल करने का मतलब लोग नीचे है रिसोर्सेस डबल करके मतलब क्या है पॉपुलेशन तो उससे ज्यादा ही है हेलो उससे ज्यादा आधी जिंदगी आधे लोग जी वे एक्चुअली नीड अ रियल लाइफ थैनोस सही में आधे लोगों को चिमटा हो रहे अल्ट्रॉन ने भी वही बोला ना बट अल्ट्रॉन ने भी वही बोला था हाँ उसने तो पूरा प्लेनेट ही उड़ा और उसने बोला भी कि जो गरीब है जो गरीबी में अभी तरस रहे उससे अच्छा तो जो जी रहे उनको तो जीने दो भाई हाँ भाई मैं अगर पूरा अनबायस्ड हो रहा है ना तो फिर बहुत सही है अगर अपन ऐसा अनबायस्ड पर एंड में फिर वही है ना सवाल की उसको किसने हक दिया कि कौन जी और कौन मरे अनबायस नहीं बस नहीं ब्रो उसका हक थोड़ी ना कि वो तो ने क्या किया वो सिलेक्ट नहीं किया उसने क्या बोला मैं तो पॉसिबिलिटी कर दिया हाँ ना पर वही तो वो मतलब अभी अगर समाज जो 50% जिंदा है वो सब बुरे लोग हैं और जो 50% मर गए वो सारे अच्छे बेचारे यहाँ पे एक चीज आती है सिनेमा वो ड्रामा के लिए क्रिएट किए अगर फुल लॉजिकल बनाने जाएगा तो थैनोस की चीजें भी चेंजेस हो सकती है बट उनको एक मूवी बनानी नहीं नहीं, नहीं देख जहाँ पे लव है वहाँ पे वॉर भी होगा ये एक बेसिक चीज है तो आप अगर कुछ कर रहे हो तो आप पूरे 100% बैड पीपल को एलिमिनेट नहीं कर सकते वो वर्क नहीं करेगा तो वही है अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो तो उसके मतलब ऐसा नहीं कि हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर 50% लोगों को डिप्लीट कर रहा है वो कर रहा है मार रहा है तो उसे मतलब तो ना कि उसमें केवल अच्छे मतलब बैड पीपल ही मरे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा अरे देख ब्रो मेरा एक एक और एक है जो लोग बोल रहे हैं ना कि 50% उसको उड़ाना था देख ब्रो वो इसलिए इतना हाइपर होके डिसीजन ले रहा था क्योंकि उसको तो खुद का प्लेनेट लॉस होते हुए देखा है उसने देखा है और उन लोगों ने उसको नहीं सुने और वो सही था बोलते ना एंगर रहता है ना ग्रुप कितना भी इंसान मान रहे हैं बट उसका प्लेनेट उसने खुद अलर्ट किया उनको कि रिसोर्सेज जा रहे हैं एंड वी हैव टू टेक अ स्टेप बट उन्होंने उसको क्या बोल सकते मैनेज नहीं किया कुछ वो और वो एक्चुअल में बहुत से जनती रखे बहुत से मतलब अगर अर्थ की देखे वही स्थिति है धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है और वही और देख ना बाद में फिर जब उसको स्टोन्स मिले ना उसको तो पता था कि मैंने पूरा प्लेनेट बर्बाद होते देखा कम से कम इनका आधा प्लेनेट तो सेव होएगा और उसने स्नैप किया और देख उसके बाद उसने स्टोन्स का यूज भी नहीं किया ब्रो नहीं करा ना हाँ नहीं किया उसने डिस्ट्रॉय करने के लिए किया थे थैनोस 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 क्या बोला आई यूज द स्टोन टू डिस्ट्रॉय द स्टोन नहीं एक बार किया उसने एक बार किया था उसने जब उसने थॉर नहीं नहीं थॉर ने जब उसको मारा था तभी बाहर जाते वक्त देख बाहर जाते वक्त देख उसका जो चेस्ट का जो इंजरी रहता है वो चले जाता है ठीक है थोड़ा सा हील किया थोड़ा सा सारे यूज नहीं किया ना अरे ठीक है ना थोड़ा सेल्फिश हो जाए तो चलता है चलेगा बोल रहा हूँ ना मैं कहा नहीं बोल रहा मैं बोला यूज किया मैं भी थैनोस के साइड हूँ रे अल्ट्रॉन के साइड हूँ अल्ट्रॉन के 5 सेकंड के लिए इंटरनेट सर्वे करके 5 सेकंड इंटरनेट का देखा भाई कमला
टिकटॉक में आएगा, इंटरनेट डिलीट, टिकटॉक में आएगा फ्यूचर में, मैं बोल रहा हूँ। अरे सुनना, बैक टू लोकी, जब वो लोकी बाहर आता है, जब वो पूरा वो देखता है जगह पूरे, उनके जो वो है क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स और वो सब, मुझे उसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं लगा। जो कॉन्सेप्ट, वो जो पूरी बिल्डिंग्स थी ना, बहुत ज्यादा क्लटर्ड थी, मतलब कॉन्सेप्ट आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले ना तो इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। लाइक पता नहीं क्या उसका मीनिंग अपने को मालूम पड़े बाद में। देख उधर ये एनवायरमेंट वाली चीज नहीं थी, मेरे को वो अच्छा लगा एक्चुअली। मतलब वो टीवीए का वो पूरा बैकग्राउंड बहुत सही लगा मुझे तो, टीवीए का जो एक पार्ट लग रहा है वो, मेरे को लग रहा है और भी है आजू बाजू। मुझे विजुअली इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे विजुअल जो बाहर उन्होंने टीवी का पूरा दिखाया, जो पूरा स्पेस में स्कैटर्ड है, हाँ, वो ठीक नहीं था, वो नहीं ठीक था, वो तेरे को कंजेस्टेड लगा ना, ऑफिसेज वगैरह बहुत बहुत हाँ बहुत ज्यादा था वो। पर वही बोल रहा हूँ कि वो एक पार्ट है, ऐसा मेरे को ना लगता सब पूरा एरिया वैसा ही रहेगा, मीनिंग होगा उसका, पर ऊपर से भी बंद है वो। नहीं नहीं मीनिंग नहीं, अपन अभी केवल विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, उसका मीनिंग विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और वो फर्स्ट एपिसोड है, क्या मालूम आगे के एपिसोड में बाकी के एरियाज दिखा देते। अरे कौन कौन समझ रहा है धरती, मेरे को धरती का यूनिवर्स कौन कौन समझ रहा है, टीवी भी समझ रहा है, इंटरनेट भी समझ रहा है, ये मतलब ऐसा होगा, ये टीवी टाइमलाइन समझ रहा है। नहीं नहीं ये तू तू मतलब लेके आओगे बीच में, सुन सुन सुन, सेक्रेट वन को दिया तू टाइमलाइन संभाल, नहीं नहीं ये अच्छा जॉब नहीं करेगी तो एक काम कर टीवी बनाते, टीवी संभालेगी। लाइक अरे नहीं वो उसने भी कुछ गलती करी तो एक ऊपर बनाते और वो संभालेगी, लाइक ओवरलुक कर रहे हैं सबको ये लोग टाइम के लिए। टीवी पता चले तेरे को पैदा किया पर तेरे पे भरोसा नहीं है, दूसरा बच्चा लाओ भाई, पता चले टीवी टीवी के ऊपर भी कुछ हो, इनका भरोसा क्या रोशन नहीं करेगा ये यही संदीप भैया, संदीप भैया गाइड करेंगे टीवी के ऊपर भी कुछ टाइम यूज करना है। No, like, और ये तीन लोगों के बाप था उसने संभाल रहा था। नहीं बट मार्वल है ना हर चीज वेस्ट नहीं कर रहे, तूने एक चीज नोटिस किया वांडा विजन में उन्होंने नेक्सस करके वो वर्ड यूज किया था, वही नेक्सस वर्ड इन लोग इसमें भी यूज किए, जब लोकी का जब कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, हाँ कनेक्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा लगता है जब स्पाइडरमैन कब आएगा ट्रेलर, हेलो केविन खत्म होने दे, सीड बोल रहा है केविन फाइगे को कॉल करो, तुम्हें पता है जो वो था, अरे मैं आज ही देख रहा था ग्राहम नॉर्टन शो, तो उसमें जो वो था ना जो अपना मार्क रफेलो जिसने थॉर करा था रिलीज क्या स्टार्ट का 10 मिनट, तो नेक्स्ट डे जब वो केविन फाइगे को मिला था ना तो उसने उसको हक करके बोला था, याद है उसने उसको हक करा था कि हमें इतना वी नेवर गॉट दिस मच बिग प्रेस, उसको मतलब लाइक लोग पागल हो गए थे तो इतना ज्यादा प्रेस था ना नेक्स्ट दिन, तो एक तरह से प्रमोशन हो गया, ये प्रमोशन हो गया लेकिन बाद में उसको ये भी किया भाई मस्त, अरे गालियां तो कराई, अरे गालियां तो पड़ती है उसने एक बार सुना उसने कितनी बार, मैं वो बोल रहा हूं ना ये सीन क्या हो रहा है पता है क्या, इन लोग मल्टीवर्स सेट कर रहे, देख फार फ्रॉम होम से एक्चुअल स्टार्ट होएगा मल्टीवर्स, एक्चुअल लाइक फार फ्रॉम होम का जो स्टार्ट होएगा ना, फार अपना नो वे होम, नो वे होम हां फार फ्रॉम होम, पर मेरा भी वही सवाल है एंडिंग फायरफॉर्म के एंडिंग से एस्केप करना रहेगा बिकॉज उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है पीटर पार्कर की, और वो एस्केप करने के लिए डॉक्टर वो मतलब तब दो स्पाइडरमैन आएंगे कि लोग कंसिडर जाएंगे कि नहीं पीटर पार्कर नहीं हो सकता स्पाइडरमैन, क्योंकि दोनों स्पाइडरमैन दिख जाएंगे तो वो बच जाएगा कि वो स्पाइडरमैन नहीं हो, ऐसा मेरा है वो, बट डॉक्टर स्ट्रेंज सॉल्व करेगा टाइम ये करना है तो उनको, तो भाई शील्ड है वो किसी को भी पहना दे सूट कुछ भी किसी को भी करवा देगा, ये प्रूफ करना है उसके लिए। हां नहीं मेरा सवाल ये प्रूफ करने के लिए अगर उनको ये प्रूफ करना है, यश कुछ बोल, मैं नहीं बोल रहा, अच्छा नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर उनको ये प्रूफ करना है कि पीटर पार्कर वहाँ पे उसके स्कूल में है और स्पाइडरमैन को ये और है, तो उनके पास ऑलरेडी खूब है कि वो ऐसा प्रूफ कर सकते हैं अगर शील्ड को ऐसा करना होगा तो। मेरा सवाल ये कि अभी फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्क्रिप्ट चेंज किया क्या, क्योंकि अभी निखिल बोल रहे कि स्पाइडरमैन 3 में चेंज होएगा, पर लॉकडाउन के पहले एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज पहले रिलीज होने वाला था और फिर स्पाइडरमैन रिलीज,
सबसे ज्यादा तुम फेस फोर के किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो? मैं डॉक्टर स्ट्रेंज सेम मल्टीवर्स तो उसका तो ना जिसे मैं नाम पढ़ा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला ये मूवी खतरनाक होने वाली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस. मैं लव एंड थंडर के लिए भी एक्साइटेड हूँ. थॉर थंडर ये दो उसका विलेन इतना खतरनाक है ना लव एंड थंडर का. मैं ब्लैक विडो के लिए काफी एक्साइटेड था पर नाम उसका वो पसंद आया. उसका व्हाइट सूट मुझे पसंद नहीं आया. तुम लोग खुद ही बोलते हो ओरिजिनल सिक्स पहले फेज वन डाला कैप्टन आयरन मैन और ये किया. फिर तुमने एवेंजर्स लाया ठीक है. उसमें तुम लोग ने नताशा और हॉकाई को बीच बीच में दिखाया ठीक है. तब तुम लोग ओरिजिनल का माला जपते थे बट उन लोग को उस टाइम पे कोई भाव नहीं दिया था हॉकाई और उसको. तब भाव तीनों को मेन जा रहा था ऑडियंस का. फिर फेज टू चालू हुआ तभी भी तुमने बीच बीच में डाला. जब फेज थ्री में जब तुमको मालूम पड़ा कि स्कारलेट का फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल चलेगा उसकी डेथ इतनी इफेक्ट दे रही ऑडियंस को. मेरे को तो लग रहा है कि सुनना एक ओरिजिनल सिक्स तुम लोग हमेशा बोलते हो और उन लोगों ने इंफिनिटी वॉर के एंड में भी बोला था कि एंड गेम इज फॉर बोलते ना ग्रेटिफिकेशन फॉर ओरिजिनल सिक्स. तुमको एक तुमको बोलते ना कैसा सबको एक वो कर दिया क्योंकि वो एंड गेम ओरिजिनल सिक्स के लिए ये छह के बाद से रिटायर होने वाले ठीक है. सबको अपना मूवी तुमको बाद में दिमाग आता है चलो अभी स्कारलेट को स्टैंड अलोन देते और हॉकआई को एक सीरीज देते बट तुम लोगों ने हमेशा उनको एक साइड की रखा. मेरे को बुरा लगा था अगर तुम ओरिजिनल सिक्स बोलते ना तुमको फेज वन में छह के छह ओरिजिनल स्टैंड अलोन उस टाइम ब्लैक विडो दे देनी थी उसी टाइम हॉकआई का दे देना वो मेरे को लगता है वंडर वुमन के सक्सेस के वजह से उनको लगा कि नहीं फीमेल स्टैंड अलोन मूवी भी हिट हो सकता है क्योंकि एंड गेम के पहले वो लोग ने डिसाइड किया था क्योंकि वंडर वुमन का सक्सेस देखा ना कि भाई इतना हिट हो रहा है कितना भी बड़ा स्टूडियो हो ना कैलकुलेटिव रिस्क लेता है क्योंकि इतनी बड़ी मूवी बनाना कोई छोटी बात नहीं. तो वो उस हिसाब से उनका भी क्या चल रहा है वो उसके हिसाब से वो सब लिखते हैं. तुम लोगों को वैलिड लगा एट द एंड ये बिजनेस है. नहीं नहीं चलो वैलिड है फेस 1 में तो नहीं था वैलिड है. फेस 1 में जब उन्होंने बनाया उसमें तो नहीं मिलना था क्योंकि ब्लैक उस टाइम हां अपने को वो कैरेक्टर ज्यादा पसंद आए थे उस टाइम हॉकआई और नॉवेल्टी चल रही बट फिल्म की नॉवेल्टी चले गई ना ब्रो. जब तू ब्लैक विडो देखने बैठेगा तेरे को ऑलरेडी पता है तुम्हारा की है यार ऐसे तो अपन लोकी देखने पे वही नहीं नहीं ब्रो तो लोकी की स्टोरी में देख रहा है तो लोकी की स्टोरी में देख रहा है तो उसके फकअप देखने वाला है. ब्लैक विडो की तू एक्चुअल स्टोरी अब देखेगा कि ब्लैक विडो बनी कैसा जब तू मर चुकी है और अब तुम देखोगे बनी कैसी. तो लोकी लोकी भी तो मर गया लेकिन फिर से उसकी सीरीज बन गई ना. नहीं वो कैरेक्टर प्राइम लोकी माना है. वो लोग उसका बैक स्टोरी नहीं बता रहे कि लोकी कौन है. वो थॉर वन से पता है गॉड इज मिस्टिक कौन है. उसने क्या बाप को धोखा दिया है माँ को धोखा दिया है भाई को धोखा दिया है. मे बी ये पहले हो चुकी होगी मूवी. मे बी पहले ही हो चुकी होगी मूवी लेकिन अभी रिलीज के लिए आगे आगे जा रही है बस. ऐसा भी हो सकता है. नहीं नहीं ऐसा नहीं. तो नहीं एंड गेम के बाद ही रिलीज होगा टाइमलाइन के हिसाब से. VFX से मालूम पड़ रहा है पहले नहीं बनी. नहीं नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो तो एक्चुअली वियर्ड तो लगेगा अगर अपन देखें. मैं दो मूवी के लिए बोलना कैरेक्टर जो ऑलरेडी डेड है उसका मूवी है वो बना रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वियर्ड तो है कि वो लोग अब उसको बना रहे हैं. बिजनेस है ना. लेकिन वो तो बिजनेस हो जाएगा ना उसमें. हां बिजनेस वो बिजनेस है पूरा एक तरह से. अब बिजनेस के लिए बने उन लोगों जिस हिसाब से अपना अपनी नताशा मरी है ऑब्वियसली ये मूवी खूब कमाएगी. तूने फ्रेंड शो का एंड देखा था ना. उन लोग ने क्या बोले व्हाई वी आर नॉट क्रिएटिंग अनदर सीरीज ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज़ एंडिंग इतना हैप्पी था. एंडिंग परफेक्ट था.
तुमने इतना अच्छा स्पेशल एंडिंग दिया ब्लैक विडो को, वो मर चुकी है, उसके लिए मौन किए पूरे हम लोग ने एंड गेम के एंड में, अब तुम उसकी रिक्रिएट पूरी बता रहे, अब बता रहे हो, अब नॉवेल्टी चले गए ऐसा है। मैं दो मूवी का एक्साइटेड, एक डॉक्टर स्ट्रेंज और एक जस्ट बिकॉज चैडविक ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। चैडविक तो करेंगे क्या यार ये लोग, नहीं ये तो वकांडा एक्सप्लोर कर चुका था और कुछ नहीं, वो शूट कर चुका था, वो ब्लैक पैंथर को आदि से ज्यादा शूट कर चुका था। चोरी लेके जा रही ना आगे ब्लैक पैंथर, वो फिक्स नहीं है अभी तक, अभी नहीं, अभी स्क्रिप्ट चेंज किया तो क्या मतलब नहीं हुआ कुछ। ब्लैक पैंथर काफी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होने वाला है इनके लिए, स्पेशली राइटर के लिए, ज्यादा ही चेंज, हाँ पूरा लोकी तो इतना सब आती है, नहीं सेकंड एपिसोड का बोल नहीं सकते क्योंकि आगे जाके क्या करना है वो नहीं कुछ बात, वो उसका एक ग्लिम्स दिखाया बस और कुछ नहीं दिखाया। मेरे को लगता है सेकंड एपिसोड में भी अपने को कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला ऐसा लगता है, वो फिर से उन लोग ईवीए के अंदर ही घूमेगी, और जो जो अपने विजुअल्स देखे थे ना बड़े बड़े जायगेंटिक, वो थर्ड एपिसोड से स्टार्ट है क्योंकि ऑब्वियसली विजुअल ट्रीट होने वाला है, पर भाई एक्सपेक्टेशंस भी है काफी इससे, फाल्कन वंडर विजन से अगर कंपेयर करेगा तो मेरे को लगता है ये बेस्ट है ना, बड़ा प्लॉट बोलता और वांडा विजन बेसिक स्टोरी थी जिसको बस खींचा है कि छह एपिसोड क्या चल रहा है, एपिसोड बहुत ज्यादा है वो, 10 एपिसोड लाइक स्टोरी नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड लोकी का ये रहने वाला है 54 या 56 मिनट्स का होने वाला है लोकी का नेक्स्ट एपिसोड, मैं वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं जब चालू किया एपिसोड ना और 50 मिनट्स देखा ना मैं खुश हो गया कि भाई लंबा एपिसोड है मजा आएगा, 30 मिनट में खत्म नहीं कर रहे अच्छी बात। हाँ रे अरे क्यों पता है तेरे को एक घंटा कम से कम तेरे को एक सेटिस्फेक्शन वैल्यू देता है एक हफ्ते के वेट का, दे दे और देखूंगा फिर 12:30 बजे बैठ देखने, 12:28 पे रिफ्रेश कर रहा, रिफ्रेश कर रहा 12:30 पे, अरे यार पॉपकॉर्न बनाने तेरा मेरे को, फिर मैं जल्दी से वगैरह ना चलो पहले पॉपकॉर्न बनाते हैं फिर देखने बैठूंगा। ये देखो बड़े लोग पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बना के खाते हैं, हम लोग गरीब साला फोन में लगा के ऐसा सो के देख रहे हैं, कब से वेट कर रहे भाई मैं तो डाउनलोड करके वापस उसमें डालने का इतना कोई न्यू सीन नहीं है, तू खुला लॉकी देख सकता है। अरे एक्चुअली अरे पीसी में वॉल्यूम थोड़ा कम लगता है रे फोन के हिसाब से, पता नहीं क्यों मैंने तो मेरे पीसी को ही होम थिएटर लगा दिया। अरे तीन लड़कियों स्पेनिश गर्ल को साइड में रख के देखो हमको, क्या तुम अमीर आदमी हो कमेंट करो आप लोग को अगर आप लोग ने कुछ नोटिस किया जो हम लोग ने नोटिस नहीं किया लोकी, और बस थैंक यू सो मच, और लास्ट और आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, नहीं नहीं बट नहीं सच्ची वो बरोबर बोला उसने भाई, सब्सक्राइबर चाहिए अपने को, मेहनत से शॉर्ट फिल्म्स बनाते दिखने तो थे लोगों को। निखिल देखो पतला हो गया एक साल में इतना मेहनत करके, ये कट कर रहा पड़ेगा ये कट कर दो, इसका तो बिंदास बोल रहा हूं, ये अभी एडिट होगा कोई काटना का, ठीक है वी विल कम बैक नेक्स्ट वीक आफ्टर वाचिंग सेकंड एपिसोड ऑफ लोकी, सो टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बोल दो सब गाइस, बाय बाय प्रोडक्शन, बाय बाय।